अबे रैंडम ओ नेपाली दाई कस्तो हुन्छ नेपाली हुन्छ नेपाली खुकुरी मान्ने हो तो गाइज अभी हमारी पुलिस वालों से बहस हो गई थी, मतलब इसकी तो क्या मेरी हो गई थी। तो हे गाइज हम लोग आ चुका है अपना सड़ा हुआ शकल लेके दोबारा से और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग चलता है बाहर को घूमने को, घूमने को क्या कहीं भी जा सकता है कुछ पता नहीं है क्योंकि धूप इतना ज़्यादा हो रहा है। तो अभी फटाफट से गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी में बैठते तो राम प्यारी जल जाएगा क्योंकि गर्म इतना ज़्यादा हो रहा है। तो हम चलते हैं बाहर को। गाइस गाड़ी में बैठे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, एसी चलाने के बाद भी गर्म ऐसा हो रहा है भैया, कहाँ बताएं तुमको, हमको समझ नहीं आ रहा कहाँ करें। तो अभी एसी चला दिया, अब निकल रहे हैं यहीं से, कुछ ना कुछ करते हैं, कहीं चलते हैं, फिर मिलते हैं बकचोदी करते हुए तुमसे। तो गाइस मैं तो सोच रहा था पहले कहीं और जाऊंगा लेकिन मैं तो आ चुका हूं कॉलेज से बकचोदी करने के लिए। ये हमें मिल गए लोनी जी, हमारे कॉलेज के सबसे दमदार आदमी। अरे यार। और बाकी सैमी भाई आगे को चले गए, मिलाते हैं अभी। ध्यान से देखिए इस हवस के पुजारी को जो चश्मे के अंदर से लड़की को देख देख के। अरे रुकना, फिर एक मिनट। सावधान इंडिया में जल्द एपिसोड आने वाला है तुम्हारा। गाइस हम कॉलेज में पहुंच चुके हैं और मैं पढ़ाई करके निकल गया हूं। और ये बंदा कहाँ गया? ये बंदा यहाँ है, देखना ध्यान से। हेलो लौंडियाबाजी छोड़ दो अब। और ये देखो इनको, सावधान इंडिया में जल्द ही आपको इनका एपिसोड देखने को मिल जाएगा। तक के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें क्योंकि कोई भी दुर्घटना होने से पहले दस्तक जरूर देती है। हमें कॉलेज से निकाल दिया गया है और फिर भी इस आदमी के मुंह पे शर्म तो है नहीं। देखो कैसे बैठा होगा, देखना ये देखो क्या शर्म है नहीं इस आदमी को। किस बात की शर्म? कॉलेज से रोज निकाल दे रहे हैं, अब तो आदत हो गई है। तभी तो मैं गाड़ी लेके आनी पड़ रही है। तो निकाल दे रहे, बेइज्जती हो तो गाड़ी के अंदर से दिखे ना किसकी बेइज्जती हुई। तो अब सीधे चल रहे हैं आगे को, थोड़ा सा आगे। नोट इकट्ठा करने के बाद घर से भी कॉल आ गया, घर भी जाना पड़ेगा। मम्मी कह रही घर आ रही है ना आ रही है, जिंदा मारूं यहीं आऊं चप्पल लेके, चप्पल फेंक के मारूं। तो गाइस हमारी तो हो गई हल्की सी बकचोदी खत्म, शुरू ही कब हुई थी। तो हम तो चल रहे घर को, सेमी डाल लेंगे। तूती है क्या कह रहा है? खतरनाक से चलता हूँ जिम में, मिलता हूँ आपसे। कहीं भी नहीं छोड़ते। हम लोग तो आ चुके जिम करके घर पे, हम नहाते धोते हैं उसके बाद चलते हैं घूमने। सो गाइज हमने तो नहा लिया, मस्त लग रहा हूँ मस्त चकाचक। तो हम निकलते हैं फटाफट घूमने के लिए और चोरी करने के लिए तैयार। चलो एक बार हम फिर आ चुके हैं। अभी मैं तो आया नहीं, मैं तो घर पे ही होती, मेरी आत्मा आ रही है, आत्मा आई है। तांत्रिक हूँ ना मैं, पाँव के नीचे नींबू दबा के टोटका मार देता हूँ, सारी आत्माएं बस में कर लेता हूँ। पैर के नीचे नींबू दबा दूंगा, सारी एटीट्यूड वाली लड़कियां मेरे पीछे आएंगी। बाल वाली गुड़िया में सुइयां दबाए और एटीट्यूड वाली लड़की को करे अपने बस में। तो गाइस आपको ऐसा ब्लॉग देंगे कि कल सुबह जब आप राम प्यारी से मलबा निकाल ले हो तब भी बोलो वाह क्या ब्लॉग है। उसकी दुकान में आ चुके हैं और क्या हाल है भैया? हेलो, जूस बना दो जल्दी, फटाफट बनाना, देर नहीं होनी चाहिए। वैसे कोई मेरे साथ वाले नहीं है, जूस वाले ही है। जूस वाला ही हूँ, इनके साथ इसलिए घूमता हूँ क्योंकि मुझे जूस मिलते रहता है। काजू वाला बना दो क्या? काजू से गाइस हमारा जूस आ चुका है और तुमसे पहले मैंने टेस्ट कर लिया, आधा खत्म भी कर दिया, टेस्ट कर लिया मेरा, कर दूँ कुछ पी लिया। यहाँ पे फीडबैक दी जा रही है अभी। ये क्या फीडबैक दे रहे हो आप? फीडबैक ये दे रहे कि हाँ मैंगो जूस में से सिर्फ मैंगो की खुशबू आ रही है, मैंगो नहीं आ रहा है भैया। दिल तोड़ दिया यार आपने, जूस ला लो। ऐसे फ्री में खाने का तरीका है, ऐसी ट्रिकें सीखने के लिए फ्री में खाने के लिए फॉलो करें मैंडी जोशी। तो अभी हम जा रहे हैं। वैसे बीच में हमें काफ़ी टेंशन हो गया था लेकिन मैं एक बात सीख चुका हूँ,
ऐसा है, काफी लोगों को टेंशन होगी, भाई लोगों को, लेकिन आज को जी लो, कल की कल देखेंगे, इतना टेंशन ही क्यों लेना। जो जितने बोल रहे थे ना व्यूज कम आ रहे हैं, वीडियो अच्छी नहीं हो रही है, काम कुछ नहीं, तो मतलब ये है, कोई बात नहीं, सही है, कोई नहीं, कर्म करते रहो, फल नहीं चाहे फलानी मिल जाए, वो लौटिया जा रही है, ऐसी बकचोदी करते रहो, जिंदगी तुम्हारे एल लगा रही है, तुम जिंदगी के एल लगा दो, मिलते हैं आपसे चोरी करते करते, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। हाँ भैया जा रहे हैं, रुक जा, उड़ के जाएगा क्या? प्रसाद ले लेना, प्रसाद हमने भी ले लिया, तो हम तो घुस गए मॉल के अंदर और ये दो बकचोद आगे चल रहे हैं, और चलने वाली है, मतलब ये चलने वाली है, कभी कभी चलती कभी कभी नहीं चलती, पता नहीं यार, हम तो पहाड़ से आए पहली बार, पहाड़ से आए पहली बार देख रहा हूँ, इतनी हल्की भी चल रही है ऐसी, मतलब अपनी शक्ल देख ली, हम लग रहे हैं स्मार्ट, ये देखो यार फिर से मेरे को इसको पकड़, सेटिंग खराब हो गई ना, हमारे घर में ड्रायर नहीं है तो इसको ले जाएं, पहली बार तो देख रहे हैं क्या होता है, हाथ चलाएगा, मेरे को पता है ठीक है ना, मैं फिर कदेरा लूंगा, अबे रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, स्मार्ट होने के बाद भी हमारे व्यूज और लाइक नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से अपनी जान देना ही वो करूंगा, मैं लटकू पहले या तू लटक रहा है, ये तो ज्यादा लंबा हो गया, रुकना एक मिनट, तू लटक जा, मैं लटक जाता हूँ पहले, लो कूद रहा हूँ, पकड़ो, मर जाऊंगा मैं, गाइस हमने फोटो वोटो खिंचा ली और अभी एक लड़की मिल गई, तो मैंने ऐसे ही बोला हेलो, तो वो ऐसे देख रही है मुझे, दिखाओ मैं भी ऐसे नहीं कर रही थी, वो ऐसे कर मैं ये सारी फड़ंग है एक्चुअली, वो मेरे को देख रही थी, ये लोग चिढ़ रहे हैं मेरे से, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता ये लोग चिढ़ते बहुत है ना, वो मुझे देख रही थी, किसको देखा था, मेरे को देख रही थी, बता दे किसको देखा था, अच्छा क्या किसको देख रहा था, ना ना मैंने देखा बस, गाइस ये दरिंदा उसको फोटो डिलीट करने का डर दिखा रहा है, वैसे एक्चुअली मैंने हेलो मुझे भी देख रही थी, ऐसा उसने साइड वाले से पूछा क्योंकि इसकी इंस्टा आईडी क्या है, किसको पूछ रही थी, कह रही थी मैंडी जोशी को आने करके, अच्छा देख लिया, सुन लिया बस, ये भाड़ू दो के दो झूठ बोल रहे, भैंस कोई लड़की नहीं आई थी, जॉब में नहीं जा रहा, और करो और कर और करो, हम लोग तो निकल, अरे किसी ने नहीं देखा, लड़के ने खाली चुप बना रहा, अभी हम चल रहे घर को, इसको भी छोड़ता हूँ, आधे रास्ते में निपेट देता हूँ इनको दोनों को, और सीधा घर पे मिलता हूँ, मैं तो आ चुका हूँ घर पे, और घर पे आ चुका है बब्बन, बब्बन मिल लो, और मम्मी लोग सब बाहर बैठे हुए हैं देख रहे हैं, क्योंकि कल ज्योति का ऑपरेशन है, किसका ज्योति, कौन सा ऑपरेशन हो, गॉल ब्लैडर में इसके पथरी हो रही है, और मम्मी बेचारी परेशान है, देख रही है वीडियो दिखा रही है मम्मी को, ये उसी की, ये देखो, तो कल इसके लिए दुआ करें इसके, कल इसके लिए जिंदा दुआ करें, और मम्मी बेचारी परेशान है कि कल बेचारी ज्योति का ऑपरेशन है करके, वो देख रही है मम्मी पर, क्यों दिखा रही तू मम्मी को, ये बता दो, परेशान होने के लिए दिखा रही खाली, नहीं कुछ नहीं होता, वो खुद कह रही थी दिखा कर, इसका ऑपरेशन होगा तो दो तीन दिन तो हॉस्पिटल में ही रहेगी, कल वहां जाना पड़ेगा, बब्बन और मैं तो निकल चुके थोड़े देर, कौन है कौन कौन, एक ही आ गया, शायर वाज आ गया, बहुत डायलॉग वाज, बहुत टाइम बाद एक डायलॉग सुना, एक डायलॉग सुना दे आज, तो कौन सा, कोई सा ही सुना दे, दिया सा, ओ सामा
अपना नीचे के बाल तो दे भाई ये खतरनाक भाई खतरनाक करता है। अरे अभी अभी हम अरे डायलॉग वाज के पिताजी, तुमने डायलॉग वाज तुम्हारे लौंडे से सुना दिया, तुम तो सुना दो कोई। हम डायलॉग सुनाया कि हमारी खेती में फसल अच्छी हुई है, एक हमारा बहुत बड़ा फसल का कारोबार। ये तो साइनिस्ट स्टाइल है, चमक कैसे रहे बिल्कुल यार, पीले में ऊपर से आया है। चमकते तो हम बाद में है, रात में चमकते, दिन में चमकते नहीं हम। अच्छा, क्योंकि हमारा नाइट में ना चांदनी हमारी बस खिल जाती है, अंधेरे में चमकता है बिल्कुल। राजपाल यादव लग रहे हैं बिल्कुल। बीच हमारा ये है देखो, अरे इससे मिलो हमारे बीच से मिलो, ये नेपाल में हम चोट मार के आए थे तो ये बीच हमारा पहला। ओ नेपाली दाई कस्तन थे नेपाली जो नेपाली खुगरी मारने हो नेपाल वडी आने आओ, खुगरी पीने आओ, सारा बड़ा गंडी चला आदमी है हमारा, बहुत बड़ा इसकी मैं कड़ी बोल दो कुछ इनके लिए। पापा बोलेंगे, पापा 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 बोलता, पापा बोलते तुमने। तो गाइज अभी हमारी पुलिस वालों से बहस हो गई थी, मतलब इसकी तो क्या मेरी हो गई थी, इन्होंने पीछे सिग्नेचर स्टेप कर दिया था पुलिस के, तो इन्होंने हाथ पकड़ लिया, कर लिया था, झूठ को बोल रहा, कर लिया तो कर लिया। नहीं नहीं ऐसे मजे ले रहे थे मेरे से। अच्छा बता देना चार, अच्छा इट्स अ ब्लॉग, इट्स अ व्लॉग ब्रो, व्लॉग। वैसे जानने वाले थे अपना तौरा चलता है ना रोडवेज के इधर, इसलिए पुलिस वाले कह रहे और कैसा है बैंडी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था वैसे, हम तुम्हें चूतिया बना रहे हैं। जानते समय पहले से अब वो जो लोग स्टार्टिंग में वीडियो की क्लिप डालूंगा वो वाली कि पुलिस के साथ ऐसा हुआ, अब तुम लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैं तुम्हारा चूतिया बना रहा हूँ जिंदा, तुम्हें पता चल रहा है लास्ट में, पता तुम्हें लास्ट में पता चलेगा जब तुम ये वीडियो देखोगे, लास्ट तक पहुंचोगे तब पता चलेगा, जैसे पता चलेगा तब तक तो काम हो चुका होगा, व्यू बढ़ चुके होंगे फिर तो हमने व्यू वापस भी नहीं ले सकते देख लिया तो वापस नहीं ले सकते ऐसी करूंगा जिंदा, ऐसी करूंगा बिल्कुल देखो तुम अभी। तो गाइज अभी हम लोग रोडवेज पे घूम ही रहे थे खाना खा के, तो हमें पारस भाई चीज मिले काफी दिनों बाद, ये चीज है पारस भाई भी, हस्ताक्षर कर रहे हो मत करो भाई। तो पारस भाई आज मिले हमें, पारस भाई आज क्या खिला रहे हो, आइसक्रीम रानी बाग से बुक भेजो, आइसक्रीम खानी है अर्जेंट है, अर्जेंट है जल्दी भेजो, 5 मिनट के घर तक की जमीन बिक जाएगी, घर तक की जमीन बिक जाएगी बुक होगी। देख रहे हो टकला कितनी तेजी से बस देख रही है, जैसे खुद ही जा रही है गंजापुर, गंजापुर जा रही है टकला, ये वाला टकला, ये वाला पीछे टकला गंजापुर जा रहा है। जिंदा रोड बेचती जाएगी तुम्हारे शहर हल्द्वानी रोडवेज के पास, पानी देख रहा कैप्चर हो गए स्टाइल, देखा स्टाइल, इसी की तो दुनिया कायम है, मेरे पे तो चाबी का है, मैं मेरे को भी धक्का दे, पारा धक्का दे तो जरा एक बार, ये देखे शर्मा के रहे ये क्या है जिंदा, ओ भाई कोई नहीं, मौत के कुएं की आरती है। क्या कह रहा, कल से नहीं आऊंगा, कल से नहीं आऊंगा भैया, मैं नहीं इनका सब्सक्राइबर, मैं अभी घर जाके अनसब्सक्राइब करूंगा अभी जाते ही। क्या मंडी में बता दो तो हम आ चुके हैं फालूदा आइसक्रीम खाने के लिए, भैया ने निकाल दी है 115 साल पुरानी कुल्फी, भैया की एक बार हाथ से खा लोगे मजा आ जाएगा बार बार, ये भैया ने काट दिया आइसक्रीम नीचे नीचे काट रहा है गुमनाम तरीके से नीचे चुपचाप, इतने साल से कर रही है, बता दो प्लीज बता दो यार, बता दो यार, चार पाँच साल आराम से नहीं थोड़ा तेज बोलो यार, 4-5 साल हो गए भैया कह रहे हैं,
अभी ध्यान वायना से कैमरा में देखने गए हार्ड कैमरामैन। हम सस्ते फूड ब्लॉगर है ना। ये जादू का पिटारा खुला। ये आ गई रबड़ी। ये आ गई रबड़ी और ये अंदर से निकली चाउमीन। दूसरे वाले में डल गई जिंदा। ये डल गया शरबत। ये आ गया सीक्रेट है। ये नहीं बता। ये सीक्रेट मसाला। ये आ गई रबड़ी। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा फिर भी आई है रबड़ी। अब नीचे अंडरग्राउंड काम हो रहा है, बाहर नहीं आना चाहिए इसके लिए। ये आ गया हमारे फालूदा मस्त तरीके से तैयार हो गए। ये रख दो यार भैया। भैया की दुकान का नाम पता नहीं, कोई बात नहीं, कहाँ पर खड़ी रहती है पता नहीं। जिसको भी आइसक्रीम खानी है यहाँ आ जाओ, डिस्काउंट मिलेगा। हमारा नाम लोगे तो 50% का डिस्काउंट है। 50 वाली 25 में। 50 वाली 25 में हो गया, बहुत हो गई। काट दो भैया, काट दे भाई साहब, काट दो। सो गाइस पकचोरी फुल हो चुकी है, सिग्नेचर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा सिग्नेचर भी हो चुके हैं। सो गाइस होप करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग काफी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी करना, वीडियो को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।